नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल ई लर्निंग दुर्गेश पर। चलिए आज हम लोग एक नया टॉपिक लेकर चलते हैं, रस। यानी रस कहते किसे हैं और रस से किसी भी पेपर में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, रस से क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या नहीं पूछा जाता है, रस में हमें क्या क्या पढ़ना है वन डे एग्जाम के लिए, क्या क्या नहीं पढ़ना है, ये सब चीजें आज हम देखते हैं। रस की परिभाषा क्या होती है, रस के प्रकार क्या होते हैं, रस के अंग क्या होते हैं, ये सब हमें आज देखना है। ठीक, चलिए। तो रस होता क्या है? तो कहते हैं रस को काव्य की क्या कहा जाता है, आत्मा कहा जाता है। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। आत्मा का मतलब प्राण, यानी यह रस क्या है, काव्य का प्राण है, आत्मा है। अब आत्मा ये कैसे बना वो भी देख लेते हैं। मान लीजिए एक नायिका है काव्य, काव्य को क्या माना जाता है, नायिका। काव्य को नायिका माना जाता है। नायिका का मतलब होता है स्त्री, यानी यह एक स्त्री के रूप में है। अब यह जो स्त्री है तो इसके लिए किस किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी, कैसे कैसे इसकी रूपरेखा तैयार होगा। तो चलते हैं, यह काव्य रूपी जो स्त्री होती है इसको सबसे पहले क्या दिया जाता है, शब्द दिया जाता है। और शब्द को क्या कहा जाता है, शरीर। यानी इस नायिका के लिए सबसे पहले शरीर की आवश्यकता पड़ती है, यानी इसको सबसे पहले किसकी आवश्यकता पड़ती है, शरीर की आवश्यकता पड़ती है। यानी यह नायिका शरीर की क्या करती है, मांग करती है, यानी इसको शरीर चाहिए। लेकिन केवल शरीर की कल्पना कर देना, क्या वह नायिका हो जाएगी? नहीं। अगर शरीर है तो इसके लिए आत्मा की भी जरूरत पड़ेगी, यानी शरीर का महत्व तब पड़ेगा जब उसमें आत्मा होगी। तो इसे एक और चीज दिया गया, क्या, आत्मा दिया गया, सॉरी, इसे रस दिया गया। अब इस रस को क्या कहते हैं, काव्य का आत्मा, काव्य की आत्मा। इसे काव्य की आत्मा भी मिल गई। अब यानी अब यह जो नायिका थी यह जीवित हो गई, लेकिन क्या नायिका का जीवित होना ही इसके लिए सर्वगुण होता है? नहीं। यह नायिका जब जीवित हो जाएगी तो इसके लिए आवश्यकता पड़ेगी लोक लज्जा के कारण, इसको एक वस्त्र भी चाहिए जिससे यह क्या करे, अपने शरीर को छुपा सके। ठीक, तो इसको एक चीज और दिया जाता है, छंद। इसे छंद दिया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, काव्य का वस्त्र कहा जाता है। अब यह नायिका क्या करती है, वस्त्र को पहनकर तैयार होती है, यानी इसने क्या किया, वस्त्र को पहन लिया। जब यह वस्त्र पहन लेती है तो इस नायिका को एक चीज की और आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है, सजने और सवरने की। तो सजने और सवरने के लिए एक स्त्री को क्या चाहिए, आभूषण चाहिए। और आभूषण इसे क्या मिलता है, अलंकार। अलंकार को क्या माना जाता है, काव्य का आभूषण। अब देखिए इसको कितनी चीजें मिल गई, चार चीजें मिल गई। इसको शरीर मिल गया, आत्मा मिल गई, वस्त्र मिल गया और आभूषण मिल गया, तब यह काव्य क्या होती है, चलने के लिए तैयार होती है, उत्सुक होती है और काव्य को हम पढ़ते हैं अत्यंत आनंद का अनुभव करते हैं। लेकिन जो हमें आनंद का अनुभव होता है वो कहां से आता है, रस से आता है। रस का अर्थ ही होता है क्या, आनंद। रस का अर्थ क्या होता है, आनंद होता है। यानी जो भी चीजें हमको आनंदित करती हैं, आह्लादित करती हैं, उत्साहित करती हैं, यानी जो जिस प्रकार का हम अनुभव करते हैं वो कहां से आता है, रस से आता है। ठीक, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। इसके बाद हम रस की परिभाषा देखेंगे और रस की उत्पत्ति कहां से हुई, किसने रस का सबसे प्रथम क्या क्या किया, खोज किया, रस को किसने सबसे पहले काव्य में लाया, ये सब देखते हैं।
ठीक। हाँ, रसते आस्वादते इति रसा, ये तो सब लोग जानते हैं, यानी जिसका आस्वादन लिया जाए, जिसको चखा जाए, वही क्या होता है, रस होता है। जैसे आप कई प्रकार का रस पीते हैं, नींबू का रस पीते हैं तो खट्टा लगता है, काढ़ा पीते हैं कड़वा लगता है, चीनी का रस पीते हैं मीठा लगता है, शक्कर वही चीनी शक्कर। तो ये सब क्या होता है कि अलग अलग हम रस पीते हैं और उसे हमें क्या मिलता है, अलग अलग स्वाद मिलता है। तो जिस प्रकार हम रसों का आस्वादन करते हैं और रसों का स्वाद चखते हैं, उससे हमारी जीवा को आनंद मिलता है, उसी प्रकार हम यहाँ रस का क्या करेंगे, स्वाद लेंगे, और इससे हमें हृदय की अनुभूति होगी, हृदय के आनंद की अनुभूति होगी। वहां हमारे जीवा के आनंद की अनुभूति होती है और यहाँ हमें हृदय में आनंद की अनुभूति होगी। बस अंतर इतना है, वहां जीवा आनंद लेगी, यहाँ हृदय आनंद लेगा। चलिए, तो रस की परिभाषा सबसे पहले हम देखते हैं। कहते हैं काव्य को पढ़ने काव्य को पढ़ने सुनने अथवा अथवा किसी दृश्य या नाटक अथवा किसी दृश्य या नाटक आदि को किसी दृश्य या नाटक आदि को देखने से हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है, हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, रस कहते हैं। यानी काव्य को पढ़ने सुनने अथवा किसी दृश्य या नाटक आदि को देखने से हमारे हृदय में जिस आनंद की अनुभूति होती है, मैं जिस हृदय में आनंद का अनुभव करता हूँ, जिस खुशहाली का, जिस उल्लास का अनुभव करता हूँ, वही क्या होता है, हमारा रस होता है। ठीक। अब देखिए, कहते हैं रस का सर्वप्रथम उल्लेख भरत मुनि ने रस का सर्वप्रथम उल्लेख भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र इन्हीं की पुस्तक है, छठे छठे अध्याय में किया। यानी रस का सर्वप्रथम उल्लेख भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र के किस अध्याय में किया, तो छठवें अध्याय में किया। ठीक। इन्हें रस का प्रणेता भी माना जाता है। इन्हें रस का प्रणेता भी माना जाता है। यानी सर्वप्रथम उल्लेख करने का मतलब इन्होंने ही रस को क्या किया, काव्य जगत में लाया। जो श्रेय माना जाता है रस को लाने का श्रेय, वो किसको दिया जाता है, रस का प्रणेता यानी रस का जनक कहा जा सकता है, रस के तात्व भी कहा जा सकता है, किसने किसको कहा जाता है,
भरत मुनि को कहा जाता है। ठीक, अब इन्होंने इसका उल्लेख कहाँ किया, नाट्य शास्त्र के किस अध्याय में किया, छठवें अध्याय में। कुछ लोग इस छठवें अध्याय को न मानकर सातवें अध्याय को मानते हैं, तो छठे या सातवें, छठे ज्यादा माना जाता है, सातवें को नहीं कहा जाता है, लेकिन आप लिख सकते हैं छठे या सातवें अध्याय में किया। ठीक, अब देखिए एक क्वेश्चन आपसे और पूछता है कि भरत मुनि ने रसों की संख्या कितना माना है, तो भरत मुनि के अनुसार अनुसार रसों की संख्या आठ है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, आठ है। दूसरी चीज आपसे पूछ सकता है, भरत मुनि ने किस रस को रस की संज्ञा नहीं प्रदान की, तो भरत मुनि ने शांत रस को रस की संज्ञा में नहीं रखा। ठीक, अभी आपसे जब रस की संज्ञा में इन्होंने नहीं रखा, तो शांत रस को रस की संज्ञा में किसने रखा, ये भी आपसे पूछा जाएगा। तो उसके लिए ऑप्शन आएगा क्या बोलते हैं, अभिनव गुप्त। ठीक, तो उसके लिए अभिनव गुप्त क्या माने जाएंगे, आपके सही माने जाएंगे। फिर आपसे पूछेगा कि रस की संज्ञा में वात्सल रस को किसने लाया, तो उसके लिए कौन होंगे, आपके आचार्य विश्वनाथ प्रसाद। फिर आपसे पूछेगा भक्ति रस को रस की संज्ञा में किसने लाया, तो उसके लिए होंगे आचार्य आचार्य रूप गोस्वामी। ठीक, चलिए अब इतना हो गया आपसे। ठीक, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा यहां से, अभी आपको पूछना है रस की संज्ञा संख्या का, सॉरी रस के एक चीज और याद करिएगा, रस के चार अंग होते हैं, अभी हम प्रकार नहीं पढ़ेंगे। ठीक, इस प्रकार को अभी नहीं पढ़ना है, रस के जो प्रकार हैं इसे हम अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी उसके पहले हमें क्या पढ़ना है, तो उसके पहले हमें रस के अंगों को पढ़ना है, यानी रस के कितने अंग होते हैं, तो रस के चार अंग होते हैं, एक एक अंग के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक, आज हम प्रकार के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, प्रकार अभी आपको आगे पढ़ाएंगे हम एक एक करके। अभी रस के प्रकार कितने होते हैं, रस के अंग कितने होते हैं, ये हम आपको लिख के समझा देते हैं। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए अब देखिए, एक तरफ आप लिखते रहिएगा, जब भी आप किसी भी चीज को पढ़िए तो ये कॉपी और एक पेन लेकर जरूर बैठिए, ताकि जो चीजें आपको अच्छी लगे उसमें लिख लिया करिए। ठीक, तो एक तरफ आप लिखिएगा रस के अंग, अंग, ठीक, और एक तरफ रस के प्रकार, दोनों में अंतर एक साथ में इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि दोनों में अंतर आप जानते रहिए। रस के प्रकार, जो प्रकार होता है यह अलग चीज होता है, और जो अंग होता है यह अलग चीज होता है। अंगों की संख्या चार निश्चित है, और प्रकार किसी किसी के अनुसार माने गए हैं। ठीक, किसने कितना प्रकार माना है अभी वो बता रहा हूं मैं। अंग चार कौन कौन से होते हैं, पहला होता है विभाव, दूसरा होता है अनुभव, तीसरा होता है संचारी भाव,
संचारी भाव को एक और नाम दिया जाता है व्यभिचारी भाव। अभी जब डिटेल में हम इसके बारे में पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे संचारी भाव को व्यभिचारी भाव क्यों कहते हैं। ठीक, चौथा आपका है अस्थाई भाव। ये चार अंग होते हैं रस के। ठीक, ये रस के क्या होते हैं, चार अंग होते हैं। ठीक, इसे आप जानते रहे रस के चार अंग। इसके बाद जब प्रकार की बात करेगा तब देख लेते हैं। पहला होता है, ये देखिए रस होता है और इसी के साथ इसका अस्थाई भाव भी होता है। प्रत्येक रस का अपना एक अस्थाई भाव होता है। जैसे पहला आपका हो गया श्रृंगार, श्रृंगार। आप लोग कहते हैं सर हम छोटा लिखते हैं, छोटा नहीं लिखते हैं छोटा। आप लोगों को थोड़ा सा, आप लोग वीडियो को थोड़ा सा जूम कर लिए करिए, ठीक, अपनी क्वालिटी को बढ़ा लिए करिए आप लोग, ये छोटा नहीं है। ठीक है, अगर हम बहुत बड़ा बड़ा लिखेंगे तो बार बार चीजें लिखना पड़ेगा और मिटाना पड़ेगा। ठीक, और मैं साथ साथ बोलता भी रहता हूं ना, तो आप सुन भी तो रहे हैं, इतने तो समझदार है। चलिए धन्यवाद सबको, हंसते रहिए। श्रृंगार, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है, रति। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति। रति को एक और नाम दिया जाता है प्रेम। रति को एक और नाम दिया जाता है क्या, प्रेम। फिर दूसरा आपका आता है करुण रस। करुण रस कम दिख रहा है, चलिए करुण रस। इसका अस्थाई भाव क्या होता है, शोक। करुण रस का अस्थाई भाव शोक। तीसरा आपका मिलता है हास्य रस। इसका अस्थाई भाव क्या होता है, हास। चौथा आपको मिलता है रौद्र रस। अस्थाई भाव क्या होता है, क्रोध। पांचवा आपको मिलता है वीर रस। अस्थाई भाव क्या होता है, उत्साह। ठीक, छठा आपको मिलता है भयानक रस। अस्थाई भाव क्या होता है, भय। सातवां आपको मिलता है विभत्स रस। अस्थाई भाव क्या होता है, जुगुप्सा। इसी को कहते हैं घृणा। जुगुप्सा को ही नाम एक दिया जाता है, घृणा। ठीक, आठवां आपको मिलता है अद्भुत रस। इसका अस्थाई भाव होता है विस्मय। इसी को एक और नाम दिया जाता है आश्चर्य। ठीक, विस्मय या आश्चर्य हो गया। इसके बाद आपका और रस बचता है, कहाँ लिखे उसको, इधर लिख दे, इसे हम मिटा दें। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर हम इसको मिटा देते हैं। रस के अंग के बारे में तो आप जान ही चुके हैं। ठीक, चलिए ठीक। अब देखिए एक और रस आपका होता है शांत रस। शांत रस का अस्थाई भाव होता है निर्वेद। निर्वेद को एक और नाम दे दिया जाता है वैराग्य। एक और आपका रस होता है, ये आपका नवा रस है, दशा, वात्सल्य रस। वात्सल्य रस
वत्सल रस का अस्थाई भाव होता है वत्सल, वत्सल ठीक। इसके बाद 11वां आपको मिलता है भक्ति रस, इसका अस्थाई भाव होता है भगवत भक्ति। भगवत भक्ति अगर आपसे पूछता है भगवत भक्ति में कौन सी संधि है, तो भगवत धन भक्ति, त का क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद चौथा वर्ण आया हुआ है, तो हो जाएगा भगवत भक्ति। ठीक, ये भक्ति रस हो गया। भक्ति रस क्या होगा, अस्थाई भाव भगवत भक्ति। अब देखते हैं मित्रों आपसे पूछता क्या है, इसमें कैसे क्वेश्चन पूछेगा। चलिए पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि रसों की संख्या भरत मुनि के अनुसार कितनी होती है। तो भरत मुनि ने कुल रस कितने माने हैं, 8 माने। ये किसके अनुसार है, भरत मुनि के अनुसार है। ठीक, यानी भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। और भरत मुनि के अनुसार आपसे पूछेगा अस्थाई भावों की संख्या कितनी होती है, तो भरत मुनि के अनुसार अस्थाई भावों की संख्या भी कितनी होती है, 8 होती है। इस चीज आपको याद करने हैं। इसके बाद आपसे पूछेगा कि शांत रस को रस की संज्ञा किसने प्रदान किया। ठीक, तो शांत रस की रस को रस की संख्या की संज्ञा किसने प्रदान किया, आचार्य अभिनव गुप्त। ठीक, आचार्य अभिनव गुप्त। इतना हो गया। अब आपसे पूछेगा वात्सल रस को रस की संज्ञा किसने प्रदान किया। जब आपसे पूछेगा वात्सल रस को रस की संज्ञा किसने प्रदान किया, तो यहां पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा आचार्य। देखिए मैं 7 नाम लिख रहा हूं, यानी छोटा छोटा लिख रहा हूं, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद आप पूरे लिख दीजिएगा, विश्वनाथ प्रसाद, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद। फिर आपसे पूछेगा भक्ति रस को रस की संज्ञा किसने प्रदान किया, तो इसके लिए आपके ऑप्शन में सही हो जाएंगे आचार्य रूप गोस्वामी। रसते स्वादते ही तिरसा, जिसका आस्वादन लिया जाए, जिसको चखा जाए, उसे क्या कहते हैं, रस कहते हैं। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है, तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 होती है। अस्थाई भावों की संख्या कितनी होती है, तो अस्थाई भावों की संख्या भी कितनी होती है, 8 होती है। देखिए मेरी वीडियो जब कभी भी आप देखा करिए, तो लास्ट में हम क्या करते हैं, आप लिखना उखना बंद कर दीजिए दिया करिए, केवल ध्यान से आप सुना करिए, लास्ट में मैं एक बार पूरा जरूर दोहरा देता हूँ। ठीक, तो आपसे ये पूछता है कि रस किसे कहते हैं, तो रसते स्वादते इति रसा, जिसका आस्वादन लिया जाए, जिसको चखा जाए, वो क्या होता है, रस होता है। अगर पूछता है रस को क्या माना जाता है, रस को काव्य की आत्मा मानी जाती है, रस का अर्थ क्या होता है, तो रस का अर्थ होता है आनंद। ठीक, अब भरत मुनि रस के प्रणेता कौन है, तो भरत मुनि है। भरत मुनि ने इसका उल्लेख कहाँ किया, तो नाट्य शास्त्र में किया। नाट्य शास्त्र के किस अध्याय में किया, तो नाट्य शास्त्र के 6वें अध्याय में किया। इसके बाद आपसे पूछेगा भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है, तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 होती है। भरत मुनि के अनुसार रसों के अस्थाई भाव कितने होते हैं, तो रसों के अस्थाई भाव कितने होते हैं, 8 होते हैं। कौन कौन से भरत मुनि के अनुसार रस हो सकते हैं, तो श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस और अद्भुत रस। जिस अद्भुत रस जिसका अस्थाई भाव होता है रति, शोक, हास, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा और विस्मय। इसके बाद आपसे पूछेगा कि 9वें रस शांत रस को रस की संज्ञा किसने प्रदान किया, तो आचार्य अभिनव गुप्त ने, जिसका रस जिसका अस्थाई भाव क्या होता है, निर्वेद, निर्वेद को एक नाम दिया जाता है वैराग्य। इसके बाद आपसे पूछेगा आचार्य विश्वनाथ ने रस को क्यों किस रस को रस की संज्ञा प्रदान किया, तो वात्सल रस को रस की संज्ञा किसने प्रदान किया, तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने। रूप गोस्वामी ने भक्ति रस को रस की संज्ञा प्रदान किया, इसका स्थायी भाव क्या होता है, भगवत भक्ति या अनुराग भी आप नाम कर सकते हैं, अनुराग का अर्थ भी भगवत भक्ति में लिया जाता है। चलिए मित्रों आज के लिए इतना ही, बस करते हैं, अगली वीडियो में हम पुनः लेकर आते हैं रस के कितने अंग होते हैं, ये तो हम देख ही चुके हैं, लेकिन एक एक अंग को अगली वीडियो में हम फिर
पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही, सबको धन्यवाद। एक बार फिर आपसे आपसे अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को लाइक किए करिए और शेयर करिए किए करिए, ज्यादा से ज्यादा इसको फैलाने की कोशिश कर दिए करिए। चलिए आज के लिए बस ही, धन्यवाद।